तालिबान ने पंजशीर में कब्जे का दावा किया है। कब्जे के दावे के बाद तालिबान ने काबुल में जश्न में फायरिंग की है। वहीं पंजशीर के नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के दावे को खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान के साबिक उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने भी तालिबान के दावे को गलत बताया है। एक ऑडियो जारी कर कहा है कि मैं अपने कमांडर्स के साथ पंजशीर में ही मौजूद हूं, मेरे साथ पंजशीर के नेता भी मौजूद हैं। साले ने कहा है कि पंजशीर में हालात बहुत खराब हैं, दोनों तरफ से लड़ाई जारी है, लड़ाई में दोनों तरफ नुकसान हुआ है। तो अफगानिस्तान से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तालिबान ने पंजशीर में कब्जे का दावा किया है, लेकिन पंजशीर की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के दावे को खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने भी तालिबान के दावे को गलत बताया है। एक ऑडियो जारी करके कहा है कि मैं अपने कमांडर्स के साथ पंजशीर में ही हूं और मेरे साथ पंजशीर के नेता भी मौजूद हैं। साले ने कहा है कि पंजशीर में हालात बहुत खराब हैं, दोनों तरफ से लड़ाई जारी है, लड़ाई में दोनों तरफ नुकसान हुआ है। तो अफगानिस्तान के अंदर पंजशीर एक ऐसा सूबा है जो तालिबान से टक्कर ले रहा है, लोहा ले रहा है। जंग का ऐलान किया गया पंजशीर की जानिब से। पंजशीर के लड़ाके लगातार तालिबान को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पंजशीर पर तालिबान काबिज होना चाहता है और इस हवाले से ऐलान भी तालिबान की जानिब से किया गया कि पंजशीर पर उसने कब्जा कर लिया है। There are some media reports being circulated around that I have fled my country. That's absolutely baseless. This is my voice. I am calling you from the Panjshir Valley, from my base. I am with our commanders and with the political leaders. We are managing the situation. Of course, it's a difficult situation. We are under the invasion of the Taliban and the Pakistanis and Al-Qaeda and other terrorist groups. We have held the ground. We have not lost territory. Over the past 4 or 5 days that the Taliban have launched their offensive, they have not been able to have any significant gain. They have suffered casualties. We have suffered casualties too. But anyway, the point of sending you this message is that we are here and I am here. I am inside Afghanistan. If any proof is needed, I can send it. So will you please share this with the outlets? Thank you.